नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। पेश है हापुड़ की आज की बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं चरम रोग एलर्जी के इलाज के लिए कॉल करें डॉक्टर शिशिर गुप्ता MBBS MD 9837509509। सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत। जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ब्रजघाट ब्रिज पर सोमवार की सुबह कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त सुभद्रा देवी पत्नी सुभाष के रूप में हुई है। वहीं बाइक सवार एक युवक इस दौरान घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शातिर चोरों से 5 लाख रुपए के जेवर बरामद। थाना हापुड़ देहात पुलिस और SOG टीम ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश बावरिया गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 5 लाख रुपए मूल्य के सोने और चांदी के जेवर बरामद किए हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में है। बता दें कि चोरों ने थाना हापुड़ देहात के अंतर्गत एक ज्वेलर के यहाँ चोरी को अंजाम दिया था। VIP की आड़ में नियमों को ताक पर रखकर कमरे देने वाले चौकीदार की वीडियो वायरल। जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी में लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में नियमों को ताक पर रखकर कमरे देने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में चौकीदार पैसे लिए नजर आ रहा है। आरोप है कि चौकीदार आम लोगों को पैसे लेकर गेस्ट हाउस में ठहराता है और उनकी गाड़ियां भी गेस्ट हाउस में पार्क कराता है। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। रेलवे कर्मचारियों ने दिया धरना। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन की अगुवाई में रेलवे कर्मचारियों ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को हापुड़ रेलवे स्टेशन के पास धरना दिया और प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि महंगाई भत्ते की रुकी हुई 3 किस्तों का एरिया जल्द दिलाया जाए। ये धरना 19 सितंबर तक चलेगा। बस चालक और कंडक्टर पर जानलेवा हमला। जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली के अंतर्गत बक्सर फ्लाईओवर के पास रविवार की देर रात 2 लग्जरी गाड़ियों में सवार लाठी डंडों से लैस आधा दर्जन दबंगों ने यात्रियों से भरी एक बस को रोककर बस चालक और कंडक्टर को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। ये बस पानीपत से पूरनपुर जा रही थी और बस में 80 सवारियां थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 4 डग्गामार बसों को सीज किया। जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली पुलिस ने सोमवार को एक अभियान चलाकर 4 डग्गामार बसों को सीज कर दिया। थाना सिंभावली प्रभारी निरीक्षक राजपाल सिंह तोमर के नेतृत्व में यह अभियान वेट मोड पर चलाया गया। छज्जा गिरने से मचा हड़कंप। हापुड़ के प्रेमपुरा में बारिश के चलते एक मकान का छज्जा गिर। इस दौरान एक बच्चा घायल हो गया जिसका उपचार अस्पताल में जारी है। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतनी। हापुड़ के पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए ई हापुड़ न्यूज़।